यस हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो बिफोर द स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन, सो यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टेली। ओके यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टर्न योर कैमरा ऑन। ओके देन सेकंडली यू हैव टू कीप योर मोबाइल इन लैंडस्केप पोजिशन लाइक दिस। गॉट इट? Yes, and you have to understand the what the teacher are explaining you. आपको सिर्फ समझना है कि टीचर क्या समझा रहे हैं। ओके, डोंट राइट एनीथिंग, कुछ भी ना लिखे। इज इट क्लियर? ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव रीड अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हमने पिछले सोर्स पिछले सेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ा। ओके, लाइक सील, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। ओके, सो इन दिस सेशन वी विल रीड व्हाई वी नीड टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल सोर्सेज। ओके, मीन्स इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस को प्रिजर्व करने की क्यों आवश्यकता है। व्हाई वी नीड, ओके, व्हाई वी नीड टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल सोर्सेस। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, need to preserve historical sources. Need to preserve historical sources means ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनको संरक्षण करने की आवश्यकता। प्रिजर्व, what do you mean by preserve? संरक्षित करना, बचाना। Is it clear? Okay, so now we will read preservation of historical sources is important. The study of history is only possible if we preserve the historical sources. The preservation of historical sources involves a great deal of time, money, and effort. Yet, it is important to preserve the source of history because of the following reasons. Yes. So here, by historical sources, we can know about our past. Okay? मीन्स हिस्टोरिकल सोर्स से हम अपने पास को जान सकते हैं। ओके, यस, सो व्हाट इज देयर प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट। मीन्स जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं लाइक मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा, इन ये हमारे इनको संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। Very important. Okay? Why? Because by these we know our past. Okay? Yes. क्योंकि इनके द्वारा हम अपने past को जान सकते हैं। Yes. The study of history is only possible if we preserve the historical sources. Means किसी हिस्ट्री का अध्ययन तभी संभव है जब हम किसी हिस्टोरिकल या कोई हिस्टोरिकल सोर्सेज को संरक्षित करें, उनको सुरक्षित रखें, उनको बचा कर रखें। ओके, देन वी कैन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इज इट क्लियर? यदि हमें किसी पास्ट को देखना है, जानना है, तो हम किससे पता करेंगे? हिस्टोरिकल सोर्सेज से। गॉट इट? ओके,
ओके, बाय हिस्टोरिकल सोर्सेज वी कैन नो आवर पास्ट, वी कैन नो आवर एंसेस्टर्स लाइफ। ओके, मीन्स हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के द्वारा हम अपने पास्ट को जान सकते हैं, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, हाउ वाज देयर लाइफस्टाइल, उनका जीवन शैली कैसी थी। ओके, यस, द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज इन्वॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। मीन्स जो हिस्टोरिकल जो प्रिजर्वेशन से हिस्टोरिकल जो सोर्सेज है उनके संरक्षण में काफी समय, पैसा और प्रयास लगता है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण। संरक्षण एंड व्हाट डू यू मीन बाय संरक्षण? बचाना, सुरक्षित करना, उसको संरक्षित करना। गॉट इट? ओके, यस। मीन्स किसी हिस्टोरिकल सोर्सेज के प्रिजर्वेशन में काफी समय, पैसा एंड एफर्ट्स मीन्स प्रयास लगता है। येट इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। येट इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। मीन्स निम्नलिखित कारणों से जो हिस्ट्री यानी कि जो हिस्ट्री के जो सोर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the reason? The reasons are following. Okay, क्या कारण है? ये कारण निम्नलिखित है। Okay, so let's see. Yes. First, history plays an important role in our daily life. Our past teaches us many important lessons which influences our present decision and affects our future. History helps us to understand other cultures. This is in turn help us become very global citizens. Historical literature and the architectures are the proof of struggle and sources and success achieved by our ancestors. They provide a connection to our past. Yes. Next. Historical sites are a major tourist attraction and thus help in generating revenue. The maintenance of the site also provides job to the many people. Okay? Yes. ध्रुवाचार्य, अनम्यूट योर माइक। यस सर। नाउ यू हैव टू रीड नीड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल सोर्सेज फ्रॉम हियर। ओके सर, नीड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल सोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ historical sources is important. The study of history is only possible if we preserve the historical sources. Yes. Stop.
The preservation of historical sources involves a great deal of time, money, and effort. Stop. Yet is important to preserve the sources history because of the following reasons. Okay, stop. Yes, it is important to preserve the source of history because of the following reason. Okay. Okay. Now next. Yes, Burhanuddin. Mute your mic too. Yes, sir. Yes, now you have to read from first point. History plays an important role. Yes, sir. You have to read from first point. History plays an important role in our daily life. History because of following reasons. Wait. This point. You can see history plays an important role in our daily life. Okay. History plays an important role in our daily lives. Preservation of a historical source. Through. Mute your mic. Important lesson which influences. And presence. Influences. Speak again. Influences. 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 Our present. Parent. Decision. And affect. Our future. Okay, stop. Yes. So what is the reason to preserve the sources of history? We can read. History plays an important role in our daily lives. What is written here? History plays an important role in our daily life. How? Because of history, we can teach us very important lesson from our past. Okay, we can see in the past, we can learn many lessons from the past. Okay, is it clear? Agar hum past mein dekhte hain, to kafi hum unme sabak seekh sakte hain. Okay. So history plays an important role in our daily life. इसलिए history जो है वो अपने दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Okay? Our past teaches us many important lessons which influence our present decision and affect our future. Okay? Yes. Our past teaches us many important lesson which influence our present decision and affects our future. Means कह रहे हैं कि हमारा जो past है, our past teaches us, हमें बहुत सारे सबक सिखाता है, हमें बहुत सारे lesson सिखाता है, which influence our present decision and affect our future. जो influence, what do you mean by influence? Means प्रभावित किया, जो हमें प्रभावित करता है, किसको? Our present decision and our effect of our future. Means हमारे जो कि वर्तमान की जो डिसीजंस हैं और जो फ्यूचर के जो प्रभाव उनको हमें क्या करता है, प्रभावित करता है. ओके, सो हिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. इसलिए जो इतिहास है वो हिस्ट्री है, वह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ओके, फ्रॉम हिस्ट्री या फ्रॉम द पास्ट वी टीचेज मैनी इम्पोर्टेंट लेसन्स. सो इट्स इन्फ्लुएंसेस आवर प्रेजेंट डिसीजन एंड affect our future.
ओके, यह हमारे वर्तमान डिसीजन जो वर्तमान जो निर्णय है उनको प्रभावित करता है और हमारे फ्यूचर को भी प्रभावित करता है, भविष्य को भी प्रभावित करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड अदर कल्चर। नेक्स्ट लाइन, हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर कल्चर, यानी बाय हिस्ट्री, बाय द हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द अदर कल्चर्स। ओके, मीन्स हिस्ट्री के द्वारा हम दूसरे की संस्कृति को समझ सकते हैं। ओके, कल्चर्स, यू कैन सी देयर इज अ कल्चर, संस्कृति, लाइफस्टाइल। ओके, इज इट क्लियर? ड्रेस अप, ओके, रिलीजियंस। सो बाय द हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द अदर कल्चर, हम हिस्ट्री के द्वारा दूसरों की संस्कृति को समझ सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? संस्कृति। इज इट क्लियर? कल्चर, कल्चर मीन संस्कृति। ओके, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, ऑल आर कल्चर। ओके, यस, द दिस इन टर्न हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीजन। गुड सिटीजन, सिटीजन्स इज व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन्स? नागरिक, ग्लोबल सिटीजन्स, वैश्विक नागरिक। मीन्स बाय द हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड आवर अदर कल्चर्स, यानी हम दूसरों की संस्कृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार हम एक अच्छे वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि हम दूसरों की संस्कृति को समझकर वी कैन चेंज, हम चेंज हो सकते हैं एंड वी कैन बिकम ए गुड सिटीजन, और हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। गॉट इट? यस। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर आर ए प्रूफ ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस अचीव्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर आर ए प्रूफ ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस अचीव्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंसेस्टर? मींस पूर्वज, दादा, परदादा, जो भी हमारी पीढ़ी में हुए हैं, जो हमसे पहले हुए, दे ऑल आर एंसेस्टर्स। ओके, वो क्या है? हमारे एंसेस्टर्स। इज इट क्लियर? यस, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। यस, सो हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर्स, व्हाट डू मीन बाय आर्किटेक्चर्स? मीन्स वास्तुकला एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर। ओके, दे ऑल आर रिटन लिटरेचर्स लाइक द पुराण, वेदांत, है ना, रामायण, महाभारत, दिस ऑल आर हिस्टोरिकल लिटरेचर्स एंड आर्किटेक्चर्स, वास्तुकला। ओके, यस, आर द प्रूफ ऑफ द स्ट्रगल एंड सक्सेस अचीव्ड बाय आवर एंसेस्टर। मीन्स जो भी हिस्टोरिकल जो साहित्य है, हिस्टोरिकल जो लिटरेचर है और जो आर्किटेक्चर से, वो हमारे जो पूर्वजों द्वारा, एंसेस्टर के द्वारा प्राप्त किए गए, यानी स्ट्रगल यानी संघर्ष और उनकी सफलता के सूचक हैं, वो हमारे सबूत हैं, वो हमारे गवाह हैं। दे ऑल आर प्रूफ ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस बाय आवर एंसेस्टर, यानी जो हमारे पूर्वज हुए, जो हमारे एंसेस्टर हुए, उनके द्वारा किए गए स्ट्रगल और उनको द्वारा प्राप्त की गई जो सक्सेस है, सफलताएं हैं, ये हिस्टोरिकल लिटरेचर और जो आर्किटेक्चर से वो प्रूफ है हमारे, क्या है? सबूत है। ओके, इज इट क्लियर?
यस, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम आज अपने पास को जान सकते हैं. वी कैन नो पास, वी कैन नो आवर पास बाय द हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. गॉट इट? यस. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल साइट्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड दे दस हेल्प इन द जनरेटिंग रेवेन्यू. मीन्स हिस्टोरिकल साइट्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. यू कैन नो मैनी टूरिस्ट कम टू द इंडिया, ओके, एंड दे विजिट इन ऑल अराउंड इंडिया. सो बाय द टूरिस्ट वी कैन जनरेटिंग रेवेन्यू. ओके, यानी बहुत सारे देखा होगा आपके टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, है ना. ओके, दे विजिट मैनी मॉन्यूमेंट्स, दे विजिट मैनी हिस्टोरिकल साइट्स. वे बहुत सारे साइट्स पर भ्रमण करते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं. सो क्या होता है, ओके, सो दे हेल्प या हिस्टोरिकल साइट्स आर हेल्प इन द जनरेटिंग रेवेन्यू, जिससे कि क्या होता है, रेवेन्यू, राजस्व का उत्पादन में हेल्प मिलती है, राजस्व बढ़ता है. ओके, द मेंटेनेंस ऑफ दिस साइट्स आल्सो प्रोवाइडेड जॉब टू मेनी पीपल्स. एंड यू कैन नो, आप जान सकते हो कि जो मेंटेनेंस होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस, रख रखा. ओके, यानी आफ्टर मैनी डेज, आफ्टर मैनी ईयर्स, वी हैव टू मेंटेनेंस आवर मॉन्यूमेंट्स, वी हैव टू मेंटेनेंस आवर हिस्टोरिकल साइट्स. सो बाय दिस we can also provide job to maintenance this site. Means इनके द्वारा, यानी जो हम maintenance करते हैं, तो इससे लाखों लोगों या काफी लोगों को क्या मिलती है, jobs मिलती है. क्या मिलती है, jobs. Okay, the maintenance of this site also provide the job to many people. इससे लाखों यानी इससे काफी लोगों को, कई लोगों को क्या मिलते हैं, रोजगार मिल जाता है, jobs मिल जाती है. Okay, so we need to preserve the historical sources. इसलिए हमें historical sources को preserve करने की आवश्यकता है, संरक्षित करने की जरूरत है. Okay, is it clear? Okay.